मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर होटल राजबाड़ी में महागठबंधन द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और महगामा विधायक दीपिका पांडे ने बीजेपी की नीतियों और देश में व्याप्त मुद्दों को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऐसा है कि महागठबंधन सरकार में है और दो उपचुनाव हम जीत चुके हैं और तीसरा हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। ये चुनाव हम लोग निश्चित तौर पर जीत रहे हैं, ये आप सब भाई भी समझ रहे हैं, लेकिन इसका मार्जिन ऐसा हो कि एक आवाज़ जो है केंद्र तक जाने का काम। आज किसानों के मुद्दे को लेकर हमारी बहन यहाँ बैठी हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं, किसानों का मुद्दा सिर्फ पुरुषों का नहीं बल्कि यह मुद्दा महिलाओं का भी आधा है। इस जो काले कानून आए हैं उससे महिलाओं का भी नुकसान होना है और सबसे ज़्यादा महिलाओं का नुकसान होना है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप देखते होंगे, खेत में काम करने वाले जो मेहनत वाले काम होते हैं, कटाई फिर संभाल करके रखना अनाज, ये सारे काम में महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। और इस केंद्र सरकार के के कार्यकाल में हम लोगों ने देखा महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा धोखा हुआ, वो चाहे महंगाई की बात करके लोगों ने अगर वोट लिए हैं तो आज आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल और LPG का क्या हालत है। हमारे किचन में आग लगाने का काम केंद्र की सरकार ने किया है और आमदनी कम कैसे हो और खर्चे हमारे कैसे बढ़ गए हैं। नोटबंदी के समय हम लोग अपने बुरे समय के लिए बचा करके जो पैसे महिलाएं रखती थी उस पैसे को भी बेमाना उस सरकार ने किया। ये सारी ये तमाम बातें हैं और सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि जो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए उन पर ना बात करके ये प्रयास कर रहे हैं, तो इस बार महिलाएं उनके झांसे में नहीं आने वाली हैं। हम ज़रूर भावुक लोग होते हैं महिलाएं, लेकिन हमारी भावनाओं से खेल करके चुनाव के वक्त अगर ये पोलराइजेशन का काम कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाएगा, किसानों के मुद्दों पे लड़ा जाएगा, युवाओं के मुद्दों पे लड़ा जाएगा, मजदूरों के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, महिलाओं के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। इस चुनाव को भटकाने का जो लोग काम कर रहे हैं वो इसमें सफल नहीं होंगे। झंडा उतारना और झंडा लगाना, उसके लिए इलेक्शन कमीशन का एक गाइडलाइन आया हुआ है कि जिनके घर में आप झंडा लगाइएगा उनसे एक लिखवा लीजिए कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपत्ति है तो झंडा आप नहीं लगा सकते। तो निशिकांत दुबे जी से या जो बीजेपी के नेता उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ उतना उनसे पहले पूछिए आप, क्या झंडा आपने जो लगाया था उनकी सहमति से लगाया था कि जबरदस्त लगाया था? इल्जाम क्यों लगा रहे हो हमारे पर? आप खुद दोषी हो, हमें तो उल्टा इल्जाम लगा रहे हो, तो बहुत बेतुकी बात है। गाइडलाइन को फॉलो करिए, इलेक्शन के गाइडलाइन को फॉलो करिए। आप हमारे घर में जब ऐसे झंडा लगा दीजिएगा तो हम उतार के फेंक नहीं देंगे। आप जेल को इल्जाम लगा क्यों रहे हो आप, या कांग्रेस को इल्जाम क्यों लगा रहे हो? हम उठा के फेंक देंगे। आप हमसे सहमति नहीं लिया, झंडा लगा दीजिएगा। क्या जिनका भी झंडा लगना है पहले राय ले लीजिए, हमसे परमिशन ले लीजिए। ये बात है, धमनी में पार्टी की बात नहीं है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है और ये इल्ज़ाम नहीं चलता है, ये लोगों को गुमराह करना चाहता है। नीति हमारे जीतने का है और हम तो चाहते हैं कि बीजेपी नेता जितना घूमेगा उतना वोट बड़ा बढ़ेगा। ये आप देख रहे हैं बीजेपी के क्रियाकलाप से, मोदी सरकार के क्रियाकलाप से कोई खुश नहीं है। इवन बीजेपी के समर्थक जो रहे हैं जिस गांव में, वो भी कहता कि सर इस सरकार से अब हम लोग एकदम निजात पाना चाहते हैं, हम इस सरकार को वोट तो नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। महंगाई की मार है, खाद की मार है, खाद का दाम DAP खाद जहाँ पे मिलता था 1200 रुपया, 850 रुपया में हम लोग के ज़माने में, आप 1900 रुपया रेट हो गया खाद का, DAP खाद का। किसान बहुत परेशान है भाई इस देश में और आम जनता तो परेशान है महंगाई से। कोई ऐसा चीज़ है जो सस्ता है? सिर्फ नारा लगा देने से, जय श्री राम कह देने से महंगाई दूर नहीं हो सकती है। महंगाई दूर करनी है तो काम करना पड़ेगा ना, नारा लगाते रहते हो तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैडम जो आई है हरियाणा से, उन्होंने जो बात कही है, किसान कृषि प्रधान देश में, किसान ही सब कुछ अन्नदाता है, और अन्नदाता अगर इस देश का कमजोर रहेगा देश कमजोर हो जाएगा। अन्नदाता को जो है, जो अन्न खिलाता है, उपजाता है, खाता है, खिलाता है देश को, उसको मजबूत करिए। किसान बहुत परेशान है। मैडम जो कह रही थी और दीपिका जी ने जो कहा किसान के बारे में, बिल्कुल सही बात है कि काला कानून है।
इस काले कानून को साफ करिए और कितना दिन धोखा दीजिएगा किसान को, कितना दिन तक हम लोगों को गुमराह करिएगा। मध्यम वर्ग की तो कमर टूट गई है भाई, बहुत परेशान है हम लोग। हमारी परेशानी का मतलब हम लोग परेशान, किसान जब परेशान है तो हम लोग परेशान है। जब हम लोग MP थे सोनिया गांधी ने 78,000 करोड़ किसान का कर्जा माफ किया, अभी हमारी सरकार झांकी में है, हम लोगों ने यहाँ पे 2,000 करोड़ रुपया अभी किसान का कर्जा माफ किया और जो बचा है सबको माफ कर देंगे। राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, सुखाड़ हो गया था पूरे देश में, उसने कहा किसान के कर्जा नहीं, जितना इंटरेस्ट चढ़ गया था उन लोगों का सबका सूद माफ करवा दिया था। जब भी किसान परेशान होता है कांग्रेस ही इसकी चिंता करती है, हम ही लोग चिंता करते हैं। इस किसान कोई जाति का नहीं होता, सब किसान सभी जाति का होता है, सभी मजहब के लोग होते हैं, हम लोग जात पात नहीं करते। क्या बोलेंगे वो तमाड़ छोड़ कर, तमाड़ बोले जा रहे हैं, तमाड़ में क्या आया, कहन जीत गए तमाड़ तो उसमें भी था, कहन जीत गया दुमका में, क्यों नहीं जीत गए वहाँ बेरमो में, तमाड़ को लाने लगे तमाड़ को, कोई मुद्दा नहीं है। बाबूलाल जी का जो बयान है बहुत हल्का बयान है, उनको झारखंड के मधुपुर की जनता छोड़ दीजिए, झारखंड की जनता बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं कि नहीं साहब इनका कोई सर पैर नहीं है। वही आदमी है बाबूलाल मरांडी जो कहते थे कि हम कुतुब मीनार से गिर के मर जाना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी नहीं जाएंगे, वो आज बीजेपी में चले गए। तो लोग समझ रहा है सबको कि कहाँ अभी इसके बात में कितना दम है। एक ही एक लाइन में इस बात है कि हुसैन अंसारी जो यहाँ के मंत्री रहे, बेचारे नहीं है इस दुनिया में, जब हेमंत जी ने कहा और आपके उनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कहा, हम लोगों ने कहा कि उनके सपनों को पूरा करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम जिला बनाएंगे, जिला बनाना भी उनका सपना था और हम लोग कह रहे हैं उनकी सपनों को हम लोग पूरा करेंगे। तो जाहिर सी बात है, समझने की बात है, जिला बनना है।